बसमिलहमानर रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाजरन को खुश आमदीद आज का शो जो है ऑब्वियसली बात है हम क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और ख़ास करके क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी चल रही है वनडे सीरीज़ भी चल रही है आ, उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं क्रिकेट के और दीगर मामला तो भी हमारी बातचीत चलती रहती है लेकिन आज का शो जो है आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल की क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट विदाउट डाउट नंबर वन गेम होगा फ़ैन सबसे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा फॉलो भी किया जाता है ये भी कहा जाता है कि क्रिकेट इज़ लाइक ए रिलीजन इन पाकिस्तान लेकिन आ, क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे खेल हैं जिसमें नाम कमाए हैं हमारे एथलीट्स ने और अच्छे मतलब जो है परफॉर्मेंस हमने देखी है उनमें हॉकी भी है स्कॉश भी है स्नूकर भी है फ़ुटबॉल भी है टेनिस भी है आज हम फोकस करेंगे फुटबॉल के ऊपर और उसकी वजह बड़ी सिंपल है के दूसरे खेलों की तरह फ़ुटबॉल में भी इस वक्त एक क्राइसिस है एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है और काफ़ी अरसे से ये मसला चल रहा है और वो मसला ये है कि इस वक्त पोजीशन ये है सिंपल सा मैं बता दूं आपको कि एक पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन है जो कि अभी दिसंबर में इलेक्ट होकर आई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लेकिन उस पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को रिकगनाइज़ नहीं करती जो फुटबॉल की आर्मी बॉडी है फीफा और एशियन फ़ुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो एशिया में देखती है फ़ुटबॉल को वो कहते हैं जी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ये बॉडी इलेक्ट हुई है इसलिए हम इसको नहीं मानते वो मानते हैं उस बॉडी को जिसके सरबराह है मखदूम सैयद साल फैसल हयात साहब और जो काफ़ी सालों से मतलब इस पी -फ -फ को हेड कर रहे हैं लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई हो गई है कि फीफा और एफ सी तो मानते हैं सालफल हयात है की बॉडी को लेकिन मतलब तो डील भी वे उन्हीं से करते हैं लेकिन मसला ये कि यहाँ पर जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो ऑफिस हैं जो सारे अकाउंट्स हैं वो सब जो है दूसरी बॉडी के हाथ में है आ, इसका जो सीधा डायरेक्ट नुकसान हो रहा है ऑब्वियसली बात है वो खिलाड़ियों को हो रहा है फ़ुटबॉल की एक्टिविटीज़ को हो रहा है और काफ़ी जो है पेचीदा एक सूरत हाल है तो हमने आज स्टूडियो में इनवाइट किया है कुछ लोगों को जो कि फुटबॉल से जिनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है हमने कहा क्यों ना इनसे पूछे कि क्या ये मसला है और इसका हल क्या हो सकता है किस तरह से जो है बात जो है इस मसले को हल किया जा सकता है और एक यूनिफाइड बॉडी बने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की सबसे पहले मेरे साथ हैं पाकिस्तान इस वक्त जो करंट पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन है मेरे साथ सद्दाम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ हैं फुटबॉल पाकिस्तान में हर आदमी क्रिकेट पर तो लिखता ही है लेकिन फुटबॉल पर बहुत कम लोग लिखते हैं उसमें से एक जो है वो डॉन अखबार के मतलब मुलाजिम है और स्पोर्ट्स करते हैं वो और फुटबॉल में इन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल की है इन्होंने वर्ल्ड कप भी जाकर कवर किए है उमैद हमारे साथ हैं थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेरिंग टाइम उमैद और उसके बाद आखिर में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत जानी पहचानी है पाकिस्तान और कराची और सिंध फुटबॉल में आ, कोचिंग भी करते हैं ये ख़ुद भी खिलाड़ी रहे हैं नेशनल बैंक से भी मुंसलिक है पाकिस्तान टीम के साथ भी मुंसलिक रहे हैं और नाम है नासिर इसमाई साहब का नासिर साहब वेलकम टू जी स्पोर्ट्स अब मैं सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमें एक ये बता दें कि इस वक्त पोजिशन करंट क्या है फ़ुटबॉल की बिल्कुल जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि कोर्ट ने एक इलेक्शन कराया और उस इलेक्शन में नए ऑफिशल इलेक्ट हो गए फैसल सा लिया दो से फुटबॉल फेडरेशन के सदर थे ठीक है उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया इस ग्राउंड्स पे कि ये फीफा और एफ मानेंगे नहीं तो मैं इस एलेक्शन में पार्ट नहीं ले रहा जबकि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को फील्ड किया उस एलेक्शन में ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया इनफैक्ट शुरू के काफ़ी प्रोसेस में इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो था उस इलेक्शन का उसमें उन्होंने हिस्सा लिया आखिरी मिनट पर उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसमें पार्ट नहीं लूँगा तो उसमें सैद अशफाक हुसैन शाह जो अब पी के सदर हैं अब पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का जो अलमिया ये है कि अब जो नेशनल टीम है वो खेल नहीं सकती क्योंकि फीफा और एएफसी सी फैसल सालियात साहब को रिकगनाइज़ करते हैं है। अशफाक साहब डोमेस्टिकली डु, डु, तो उनको रिकगनाइज़ किया जाता है लेकिन वो टीम नहीं भेज सकते एफ सी के टूर्नामेंट में बिल्कुल लेकिन ही कैन ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक टोर्नामेंट बिल्कुल बिल्कुल ही कैन ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट लेकिन एक अलमिया ये भी है कि जो साल फैसल हयात है जो सारी फ़ंडिंग आती है फीफा की और एफ सी की और जो सारी इन्विटेशन आते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के वो आते हैं जो बॉडी है जिसको हेड करते हैं हयात साहब ठीक तो अगर हयात साहब चाहें तो पाकिस्तान टीम जा सकती है बाहर बट सिंस ही डजेंट रिकगनाइज मतलब वो कहते हैं ये दूसरी बॉडी लीगल है और हमारे पास दफ़ातर नहीं है पी एफ एफ के इसलिए अभी रिसेंटली सुना यह है कि एफ सी अंडर ट्वेंटी थ्री हो रही थी शायद और उजबेगिस्तान में एम नॉट ताजिकस्तान में और इन्विटेशन भी आया था तैयारियाँ भी हो गई उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया गया बिल्कुल वो अब वही है कि हम जो हम लोग ये समझते हैं कि फ़ुटबॉल को हॉस्टेज रखा जा रहा है टीम को वैसे भी भेज सकते हैं ठीक है मतलब अगर आप फ़ुटबॉल की बेहतरी चाहते हैं तो वाई नॉट ठीक है आपके डोमेस्टिकली कोई भी मसाइल हो फुटबॉल सफ़र नहीं करनी चाहिए अगर प्लेयर्स तैयार हैं उनकी अपने इन्होंने पासपोर्ट्स भी मांगे थे कुछ प्लेय से जब आप भेजना चाह रहे थे और मतलब ये क्वालिफ़ायर्स वो थे जो एफ सी अंडर ट्वेंटी थ्री चैम्पियनशिप है ये जो अगले साल ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उनके क्वालिफायर्स भी थे ओके okay, okay. तो मतलब एक ऐसा इवेंट है जब आपके अंडर ट्वेंटी थ्री को काफ़ी एक्सपोजर मिलता हमारे ग्रुप में ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान और इंडिया थे प्लेयर्स को भले आप नहीं जीते हैं लेकिन एक एक्सपोजर के लिए बड़ा अच्छा टूर था बहुत अरसे से फुटबॉल हुई नहीं है और फिर वो टीम को रोक दिया जाए तो बेसिकली इस मतलब हम अगर इसको इस तरह से कहें कि ईगो उसका टसल है तो गलत तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं। मतलब साल फैसल हयात जो है वो ये कहते हैं कि जब तक मुझे नहीं माना जाएगा पी एफ एफ का प्रेसिडेंट मेरे हाथ में पी एफ एफ के मामला नहीं आएंगे तो मैं फुटबॉल को भी मतलब प्रमोट नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान में राइट सद्दाम आप कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के और लास्ट ईयर आपको कप्तान बनाया गया था क्योंकि एक बैन लगा था पाकिस्तान फुटबॉल पे जब वो बैन हटा तो उसके बाद जब एक्टिविटीज़ रिज्यूम हुई तो आपको कप्तान बनाया गया और आप लोग सैफ गेम्स में गए सेमीफाइनल में शायद आप लोगों को शिकस्त हुई थी एक खिलाड़ी के तौर पे और एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर कप्तान के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस इन हालात को बहुत ही मतलब के फुटबॉलर्स के लिए और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बच्चों के लिए और पाकिस्तान के इमेज के लिए बहुत ही बुरा मतलब के बहुत अफसोस की बात है बहुत ही मतलब के बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है मसले पे हम लोग खड़े हैं ऐसे मामला में उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर का हो रहा है और इंटरनेशनली इमेज पाकिस्तान का खराब हो रहा है क्योंकि <coughs> जब आप फीफा uh, जो अगर बैन लगा लेगा एक्टिविटीज़ इंटरनेशनली बच्चे जाके नहीं खेलेंगे इवेंट में पार्टिसिपेट पाकिस्तान टीम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक इंटरनेशनल इमेज हाँ करा हुआ दूसरा बच्चों का फ्यूचर इसलिए करा हुआ जब बच्चों खेलने ही नहीं जाएंगे किसी इवेंट्स में उसको एक्सपीरियंस कहां एक बाहर जाके खेल रहे थे कल्बो में अभी भी हमारे काफी प्लेयर्स कोशिश कर रहे, रहे हैं काफी कंट्रीज में मालदीव में जाके खेले हम लोग अगर हम इंटरनेशनल फुटबॉल एक्टिविटीज हमारे बंद होंगे नेशनल टीम के कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वही आ जाएगा कि हम, हम लीग स्टार्ट कर लें छोड़ दें पाकिस्तान टीम जो है ना फीफा में खेलना ही फिर बंद कर दे फिर हम डोमेस्टिकली लीग चलाएंगे उसका हमें कुछ फायदा नहीं होना है तो दुनिया भर चाहती है कि हम इंटरनेशनली खेलें अच्छा मुझे एक बात बताएं उमेद अभी एक टीम गई थी कराची यूनाइटेड क्लब की, की आ, कोई जूनियर टूर्नामेंट हो रहा था थिंक कतर में अभी गवर्नर साहब ने बुलाया भी था उनको और कुछ थोड़ा बहुत इनाम भी दिया तो हाउ डिड दे गो देन अच्छा कराची यूनाइटेड को तो इन्विटेशन आई थी कराची यूनाइटेड क्लब जो है वो बड़े अच्छी तरह रन किया जाता है।, है और उनको वो काफ़ी स्पेन भी गए हैं वो बार्सिलोना के अकेडमी के प्राइवेट है बिल्कुल प्राइवेट सॉर्ट ऑफ है तो उनको कतर से इन्विटेशन आई थी वहाँ पे एस्पायर अकेडमी है वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट अकेडमी तो उनकी टीम से वो मैचेज जीते तो वो बेसिकली वो प्राइवेट ट्रिप था यहाँ तो पर नासिर इस्माइल साहब मुझे बताएं कि मतलब इस वक्त जो पोजिशन है पाकिस्तान फुटबॉल की जो कुछ उम्मीद ने बताया अभी मुझे बताया कि हल क्या है इसका किस तरह से ये बात आगे जा सकती है क्योंकि अभी एक खबर ये चली कि जो शाह साहब हैं इस पर पार्सन फुटबॉल फेडरेशन के सदर उन्होंने पर ये बात बोली थी कि हमारी मीटिंग हुई है ए एफ सी के ऑफिशियल से अभी रिसेंटली और वो शायद एक डेलीगेशन भेज रहे हैं फीफा और एफ सी वाले आएंगे फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर लेकिन फिर आज ए सी की तरफ से शायद वो आ गया डिनाइला गया उन्होंने कहा नहीं जी हम तो मानते ही आ, दूसरी पीएफएफ को है तो हम कोई मतलब डेलीगेशन नहीं भेज रहे तो अब मसले का हल कैसे है कैसे जो है फुटबॉल में एक यूनिफाइड बॉडी हो पीएफएफ की और एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल और आ, मतलब ख़ास करके इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारी टीमें जा सकें बिसमिल्लि रकमानीम थैंक यू वेरी मच वहीद भाई मैं दोनों की मैंने उमैद की भी गुफ्त सुनी सद्दाम की भी सुनी इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम फीफा एफ के मामलों में उलझे रहेंगे उस वक्त तक हम ट्रैक पे नहीं आ सकते अभी मौजूदा सिनेरियो पाकिस्तान का ये होना चाहिए कि हम डिस्पाइट ऑफ फीफा और ए कि हम इनकी तरफ फॉलो करें कि हम इनसे मीटिंग करें इनको बुलाएं हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्योंकि 2020 के अंदर तो वैसे उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए हुए हैं फीफा ने के जी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हमारे कानून के तहत फीफा स्टैचूज के तहत होंगे तो उस चीज को जहन में रखते हुए जब तक ये मसला हल नहीं होता फीफा एफ का तो भूल जाए उनको फिलहाल भूल जाए अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इतना मजबूत करें क्योंकि अब तो अकाउंट ट्रांसफर हो गएंगे पैसे इनके पास आ गए हैं मेरे ख्याल से शायद 16-17 करोड़ रुपए उस अकाउंट में मौजूद हैं अभी तो मेरे ख्याल से ये इतना नहीं, ये ये किस अकाउंट में आ, ये उस पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अकाउंट में जिसको के शास करते हैं जी बिल्कुल जो अकाउंट्स का स, जो प्रॉब्लम था कि उन्होंने अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं हुए तो उसका एक प्रोसीजर था कोर्ट के तहत उन्होंने बाकायदा तौर पर वो ट्रांसफर हो चुका है और ओ, वो अकाउंट अब एक्टिव है जो करंट बॉडी है अशफाक यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से से उस पैसे को तो मेरे ख्याल पैसा मौजूद है अब इसको सोचना कि एफ सी और फीफा कब आएगी और कब मिलेगी कब वो मसला हल करेगी इसको भूल जाए इस वक्त हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इवेंट्स उससे जब इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे तो कोचेज भी अपनी लाइन के ऊपर आ जाएंगे रेफरीज का रोजगार शुरू हो जाएगा प्लेयरों को इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा और एक साल बीच में है 2020 में मेरे ख्याल से न, 2019 चल रहा है 2020 में इलेक्शन है तो एक साल तक इस चीज के पीछे लगे रहेंगे फीफा क्या सोच रहे देखें उनकी जड़ें इतनी मजबूत है फैसल साले आज की फीफा एफसी में कि जो लोग कहते हैं ना करप्शन नहीं तो क्या फीफा में करप्शन नहीं हुआ FIFA में कितना बड़ा में बड़ा करप्शन करप्शन हुआ हुआ और और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे कितनी बड़ी आ, चेन पकड़ी उनके सदर ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली है उसके लिंक्स मौजूद है तो मेरे ख्याल आदमी बना लेता है उसको इतनी जल्दी आप ये कह रहे हैं नासिर बेकार है मतलब करने की कोशिश मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पे जो बॉडी इलेक्ट होके आई है वो अपना डोमेस्टिक पे फोकस कर। बिल्कुल डेफिनेटली भूल ठीक है वो इस जंग में लगे रहेंगे फीफा कब आएगी कब आएगी उसमें एक साल निकल जाएगा आप अपने आप को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इतना अच्छा कर ले जब आपके इलेक्शन आए तो लोग कहेंगे नहीं यार इन्होंने एक साल में इतना अच्छा फुटबॉल चलाया इतना बच्चों को रोजगार मिला इतने इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर नहीं मिल रहा इंटरनेशनल एक्सपोजर डोमेस्टिक एक्सपोजर इतना ज्यादा कर दे कि लोग टीवी पे लाइव टेलीकास्ट जब देखने लगेंगे तो भूल जाएंगे इंटरनेशनल इवेंट्स को वो वो खुद खुद जब तो जब मसला हो जाएगा तो आप देखेंगे कि के, के अंदर जब इवेंट्स होंगे तो अगर तो ये अच्छा काम इन्होंने किया होता तो ये इस तरीके से बाहर ना होते ठीक है ठीक है सोल्यूशन जब यही नजर आ रहा है क्योंकि मतलब वो जो बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि मखदूम साहब क्योंकि दो हजार तीन से रहे हैं। तो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वेल नोन इन एंड फीफा और जो सुनने में आ रहा था ए एफ सी में तो शायद उनको कोई अच्छी पोस्ट भी मिलने नहीं वाली नहीं। है वाइस वाइस बनने बनने वाले हैं है। है। तो फिर आई थिंक जो नासिर इसमा को बात कर रहे हैं बात में वजन तो है हाँ बिल्कुल मतलब लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि आपको गोल सेट करने चाहिए शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए डोमेस्टिक पे काम करना तो बहुत जरूरी है ठीक है और अगर ये जो कोर्ट इलेक्टेड फेडरेशन है ये अगर स्ट्रक्चर अच्छा कर देती है फुटबॉल का तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए ठीक है लेकिन अभी जो एक और जो बड़ी की चीज है वो ये है कि वर्ल्ड कप आ रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का जो ड्रॉ है वो अप्रैल सत्रह को होना है ओके। और हम जो है और वो जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का ड्रॉ है वो ऐसा है कि उसमें सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं एशियन कप के क्वालिफायर्स भी मर्ज होते हैं और अगर आप वो पहला लेग जो पाकिस्तान क्योंकि लोअर रैंक टीम है अगर वो वो पहला जो फर्स्ट प्ररी राउंड है वो अगर एडवांस उससे कर जाए तो आपके पास तकरीबन तीन साल के लिए कांस्टेंट कम्पटिटिव मैच हैं अच्छा ओके, तो मतलब ओके। उससे ये है कि हम हम तो ये अभी नहीं कहते कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे हाँ, लेकिन एटलीस्ट अच्छा 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 आपको बड़ी टीमों के साथ जैसे पिछली दफा हाँ। हम यमन से हार गए अपना फर्स्ट राउंड मैच अगर हम वो जीत जाते तो आप देखेंगे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया से खेला

ओके okay, okay. तो अब वो ये बैठ के मतलब दोनों को ये सोचना चाहिए कि फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम कर लें ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा दोनों की तरफ से कि वो अपने अख्तलाफा भूल के एटलीस्ट पाकिस्तान फुटबॉल मसला टीम है। ये है ना उमेद के जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे अभी भी कलीमुल्ल में देख रहा था कि काफी उसको मतलब रगड़ा लगा है मतलब पी एफ एफ की तरफ से की तरफ से ग्रुप से और मतलब जो प्लेयर्स हैं सद्दाम की हमने बात सुनी ली सद्दाम मतलब ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट आने जा रहा है वर्ल्ड कप अगर आप बात करते हैं कौले, बेशक क्वालिफायर्स ही हैं और बहुत मतलब नीचे के क्वालिफायर्स है लेकिन फिर भी एक्सपोजर वाइज बहुत ज़रूरी है आप प्लेयर्स क्यों नहीं मतलब आ, जो हयात साहब हैं मखदूम साहब हैं उनसे मिल के बात करते हैं कि भाई कम अज़ कम हमें तो खेलने दो तो आ, सर ये बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा जो प्रॉब्लम है अब जो खड़ा हुआ है जो ये आपस में ग्रुप लड़ रहे हैं ना हाँ। मतलब दो ग्रुप हैं दो ग्रुप्स आपस में होकर हैं वैसे साल साहब का और दूसरा इश्क साहब का तो ये टेबल पर आकर बैठें इस चीज़ पे बात करें जो हमें इम्पोर्टेड ये है क्योंकि देखो वेमेन टीम हमारी साहब में नहीं गई ठीक अच्छा। है अंडर ट्वेंटी में हमारे ओलंपिक की टीम नहीं गई अब ये बच्चों का और हमारे वेमेन टीम का एक्सपीरियंस जो खेलना था और पार्टिसिपेट करना और वेस्ट हो गया अब जो वर्ल्ड कप है चार साल बाद बहुत ही मतलब के इम्पोर्टेट सारा फुटबॉल का आखिरी जो है ना इम्पोर्टेड गे वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग होता है हाँ, अगर उसमें अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करें ये फोर इयर्स के बाद आता है और अभी हमारे पास मतलब के तीन साल फुटबॉल बंद हुआ एट मंथ चला तो अब अच्छे शेप में लड़कों के अंडरस्टैंडिंग है बैठ के टीम को भेजें बाकी जो उनके आपस में मामला थे उनको बाद में देख लें क्योंकि थाईलैंड के भी प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर भी जो ये मतलब के अब दूसरे ग्रुप आया था केस हुआ था उन्होंने अपने केस या मामला कोर्ट में जो

बताएं कि जो ये स्टांस है हैयात का जो कहते हैं कि मतलब अहम द इलेक्टेड पर्सन और मेरे साथ ज्यादा की है तो वो है क्या इजी इजी राइट इजी राइट इन के मतलब उनको गलत तरीके से हटाया गया एनी वे ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के आज वापस आते हैं और फिर हम आ, जो इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो सदर हैं शाह साहब अशफाक हुसैन साहब उनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे लाहौर से उनको भी हम लेते हैं बीपर पर उनसे भी थोड़ा सा पूछते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं वेलकम बैक देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और आज बात हो रही है फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल के मामला कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान में और हमारे साथ पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम मुस्लि बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि जी इमेज खराब हो रहा है पाकिस्तान का और सबसे बड़ी बात यह खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा कि वो बाहर जाके जो है आ, कम्पीट करें एक्सपोजर हासिल करें ना सिर्फ मैंस बल्कि वमेंस टीम भी उमैर जो मैं कह रहा था जैसे सद्दाम ने कहा नासिर ने भी जो वो किया लेकिन आप कहते हैं कि जी दोनों जो ग्रुप्स हैं दोनों जो पार्टीज वो तो, तो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ही नहीं हैं ठीक है तो अब वो भी एक चीज़ ख़त्म हो गई तो अब फिर क्या किया जाए मतलब फिर कुछ सोल्यूशन आप ही बताएं कि कोई सोल्यूशन निकले ऐसा कि कुछ नहीं है हल निकले इसका वो होगा यही फीफा आएगी अपने उनका एक डेलीगेशन आएगा ठीक है एक्सपेक्टेड तो ये उन्होंने खुद कह दिया है कि हमारी इंटेंशन है कि हम डेलीगेशन भेजें क्योंकि बहुत टाइम से यही हो रहा है कि फीफा एक तरह से आप समझ लें कि वन साइड डिसीजन ले रही है हाँ ठीक है तो है। अब यह है कि एटलीस्ट डेलीगेशन आए दोनों पार्टीज को सुने और मेरे ख्याल से देखें दोनों की ग्रीवेंसेज हैं उस इलेक्शन hmm. के लिहाज से लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कराया है वो बाकायदा पीएफएफ के ही स्टैचूट से इलेक्शन कराया है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जाहिर वो नहीं, तो ये, नहीं, ये आता आता है हमारा 2015 का पीएफएफ का ओके जिसमें फैसल का याद साहब ने कोर्ट ने उस वक्त भी एक स्टे ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्यों रीजन वो असल में एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया था पंजाब के इलेक्शन को लेकर Okay. और उसमें फेडरेशन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी 2015 अच्छा, पंद्रह अच्छा अच्छा तो च्छा, उसमें यह हुआ कि उस वक्त कोर्ट ने बोला कि जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता आप इलेक्शन नहीं करें तो फैसल ने इलेक्शन करवा लिया करवा लिया और उसमें उसमें वो जीत गए उन्होंने जीतना ही था क्योंकि उन्हीं की जो वोटर्स थे वही वो उस इलेक्शन में थे ठीक है तो वो इलेक्शन इतना डिस्प्यूटेड था कि फिर वो मामला कोर्ट में चला गया वहाँ से मामला और रहा। और अब अगर आप ये हमारे नगर ये सोच रहे होंगे कि मतलब हमने जो मेन इसमें इस जो पर्सन है इस पूरे फुटबॉल आ, क्राइसिस में आ, वो ख़ुद साले फैसल हयात साहब हैं और ऑब्वियसली बात है आप होंगे कि हमने उनको क्यों नहीं मतलब वो क्यों नहीं है इस शो में तो उसकी वजह भी आपको बता दूं कि लास्ट टाइम हमने जब उनको इनवाइट किया था तो उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि अगर मैं आऊँगा तो मतलब पहली बात तो म, 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 मैं टाइम नहीं आने का लेकिन अगर मैं बीपर भी, भी आप मुझे लेंगे तो कोई भी अपोजिशन का बंदा नहीं बैठेगा स्टूडियो में ना उनसे बात कीजिएगा ना मेरी बात कराइएगा ये उन्होंने क्लियरली कहा था तो इसलिए फिर हमने सोचा बे मतलब बेकार है उनसे बात करना क्योंकि जब ये तीन तीन लोग बैठे हैं तो वो यही कहते हैं कि जी मैं नहीं आऊँगा लेकिन उन्होंने जो बात की थी पिछली दफ़ा जब आए थे उन्होंने एक बड़ा लंबा एक सरमन दिया था उसमें से एक छोटी सी क्लिप हम आपको सुना देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जी बैन लगेगा फीफा बैन लगाएगा आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर अगर ये चीज़ें अगर मुझे नहीं माना गया तो क्या बैन लगा या नहीं लगा ये पहले क्लिप सुन लें आप, आप

ये केस आपका भिजवाना पड़ेगा आप अपनी मुतल कमेटी को okay. जो कि आपको बैन कर देगी ठीक और उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप मुतलका इदारों को अप्रोच करें उनको बताएं कि संगीनी इस सूरत हाल के हवाले से पैदा हो सकती है तो हमने तो ऑनर्बल सुप्रीम कोर्ट को फीफा का खत भिजवा दिया उनको जी हमारे okay. काम था उनको okay. भिजवा देना ठीक है उनकी मर्जी है वो उसका क्या करते हैं वो जी हाँ जी तो बहन लगा अभी तो बैन ही लगा देखिए बैन लगाने के भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं ठीक है फीफा ने आ, कहा ये इलेक्शन से पहले कि हम बैन कर देंगे पॉसिबली हम सस्पेंड कर देंगे okay. लेकिन आई थिंक फीफा ने अब ये रियलाइज किया है कि बैन लगाना इज नॉट द दोल्यूशन सोल्यून उन्होंने ये बहुत मतलब फीफा की तरफ से एक बड़ा अच्छा डिसीजन है कि वो एक डेलीगेशन भेज रहे हैं जो स्टेक होल्डर से बात करेंगे पहले भी इन्होंने भेजा था अपना एक डेलीगेशन लेकिन अब ये आएगा होपफुली क्योंकि देखिये अगर पी जो है वो है तो इस मुल्क की तो ये ये कहना कि हम पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते ये मेरे हिसाब से बहुत से लेकिन 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 एक चीज़ मुझे बताएं मैं ले, लेट, लेट से कि जैसे अभी लास्ट ऐसा मैंने बहुत अच्छी बात की वो कहते हैं कि जी दो हज़ार बीस में तो वैसे भी इलेक्शन है हाँ ही ना जो फीफा कराएगा ठीक है अब मुझे बताएं जो सिचुएशन है इस वक्त दो हजार बीस में जब फीफा कहता है कि जी अब इलेक्शन कराया पी एफ एफ के तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं जी हमने तो इलेक्शन आप ऑलरेडी करा दिए हैं मतलब दो हज़ार अठारह के एंड में फिर क्या होगा अच्छा इसका भी एक तरीका है हाँ अब होता यह है ऐसे केसेस में कि फ़ीफा एक कमेटी बनाती है नॉर्मलाइजेशन कमेटी ओके वो बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हुआ है जहाँ पर ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या कोर्ट इंटरफेरेंस के एलिगेस लगे हैं तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बेसिकली फिर सबके साथ लिए करके एक ऐसा इलेक्शन कराती है जो सबको मंजूर हो बिल्कुल ठीक है ठीक है तो आपको लगता है ऐसा होगा होपफुली मतलब ये जरूरी है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए ठीक है ठीक है नासिर इसम साहब आप थोड़ा सा मतलब काफ़ी वैसे जब आपसे मुलाकात होती है तो आप बड़ा खुल के बात कर रहे होते हैं और काफ़ी आप मतलब तकलीफ में होते हैं पाकिस्तान फुटबॉल के हालात के ऊपर बात करते हुए आज आप थोड़े से सहमे सहमे बड़ा डिप्लोमेटिक आप जवाब दे रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा और मैं दरअसल दोनों की गुफ्तु भी साथ साथ सुन रहा हूँ और सद्दाम जो आपके सामने बैठे हैं ये टोटली हंड्रेड परसेंट मेरी प्रोडक्ट है जूनियर से मैं इनको मलिक से निकाल के लाया था और आज ये माशाल्लाह से नेशनल टीम के आ, कप्तान है देखें अब कुछ अगर आप सच सुनना चाहते हैं ना तो मैं आपको बिल्कुल सच सच बताना शुरू करता हूँ और ज़्यादा सच सारा सारा जो इस वक्त जो झगड़ा है ना इतदार लेने का उसका वो झगड़ा है जब को रेड कारपेट के ऊपर मर्सिडीज रिसीव करने आती है ना फीफा वो बॉडी है कि जो प्रोटोकॉल वो देती है दुनिया में वो प्रोटोकॉल आपके ना किसी क्रिकेट में मिलता है ना ओलंपिक में मिलता है कही कहीं नहीं मिलता सही। कहीं नहीं मिलता फीफा जितनी बड़ी बॉडी है दुनिया भर में और जितनी स्ट्रांग है जो उसके स्टेच्यूज के ऊपर वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वो सऊदी अरब जैसा क्या बहरीन जैसा है दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी अगर उसको कहे कि जी आप ये काम कर लो कहता थैंक यू वेरी मच नहीं करना तो रेड कारपेट पे जो मर्सिडीज आपको लेने आती है वो वो कौन छोड़ेगा सर हुँ, बात ये सारी ये जो जंग है ना ये इकतदार की जंग है और ये जो फीफा का जो पैसा आता है ना अभी देखें मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि अभी उनका जो फैजल का ऑफिस फैसल सालियाहत काफिस में एक्टिव है कर्नल लोधी की तनखा अभी भी एफ से आ रही है ठीक है फैसल सालियात तमाम जगहों पे वाइस प्रेसिडेंट जा रहे हैं तमाम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं हर चीज कर रहे हैं फुटबॉल पे बैन नहीं लगवा रहे ये अभी चाहे कल चाहे कल बैन लग जाएगा इवेंट okay. हो नहीं रहे है चीजें चल नहीं रही है तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे बैन क्यों नहीं लग रहा इसलिए नहीं लग रहा कि इनका ब्रेड एंड बटर बंद हो जाएगा जिस दिन बैन लगा उस दिन उस दिन के बाद ये ना कहीं बाहर जा सकते हैं ना सेमिनार अटेंड कर सकते हैं ना कहीं कोर्सेज में लोगों को भेज सकते हैं साइलेंटली इनका काम हो रहा है ये खत्म कैसे होगा अगर फीफा बैन नहीं लगा रही इन दो आदमियों का नाम आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें आप डाल दें क्योंकि ये वहां पर जा रहे हैं एज ए प्रेजिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तो क्यों नहीं इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालते आप डालें आप देखें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी यहाँ पे नहीं लेकिन लेकिन नासिर यहाँ पर एक चीज मसला ये है कि ये जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट वाला जो सीन होता है ये तो सिर्फ मतलब उन लोगों का नाम डाला जाता है जो कि किसी क्रिमिनल केस में करप्शन केस में या ऐसा कोई आ, एक्ट होता है जो उनके खिलाफ कोई तो केस सर, हो तो फिर डाला जाता है ना सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराए हैं

इन्जॉय uh, किया है इनके लोगों ने एंजॉय किया है यहाँ के डोमेस्टिक बच्चों की किसको फिक्र है बताइए किसी को फिक्र है ठीक है नासिर साहब हमारे साथ अशफाक हुसैन शाह साहब लाइन पे है जो कि इस वक्त जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो इलेक्ट होकर आई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उसके सदर है अशफाक साहब सलामकुम कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मतलब हम कोशिश कर रहे थे कि आपको भी आज हम डी एस एन जी पिले लेकिन हो नहीं पाया लेकिन ये मुझे बताएं अशवा साहब मेरे साथ उमैद वसीम बैठे हुए हैं फुटबॉल के ये मतलब एक्सपर्ट हैं रिपोर्टर हैं सद्दाम हुसैन बैठे हुए हैं पाकिस्तान टीम के हमारे कप्तान और नासिर इस्माइल भी बैठे हुए हैं बात यही हो रही है कि ये जो फ़ुटबॉल का जो मसला चल रहा है जो क्राइसिस चल रहा है तो अभी जैसे उमैद जैसे उमैद ने बताया कि अप्रैल में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ड्रॉज़ वगैरह भी निकलने हैं और उसमें पाकिस्तान का भी ज्यादा सीधा नाम आएगा तो एज यूजल होगा यही कि मतलब आप लोग

ये जो क्राइसिस है अब अब अगर पाकिस्तान टीम ने जाना है वर्ल्ड कप क्वालिफाइज में खेलने के लिए तो वो कैसे जाएगी मतलब आप लोग क्या करेंगे इस सिलसिले में ये करूंगा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा

टू improve आवर डोमेस्टिक फुटबॉल ठीक है ठीक है आपको इन लाइन लाना है उसको इन ऑर्डर करना है ठीक है सेकंडली टू हैव डायलॉग्स विद ए एफ सी एंड फीफा ठीक है दोनों के साथ करेंगे एक तरफ हम अपने डोमेस्टिक फुटबॉल को चलाएंगे बिल्कुल आला तरीके पर जिसको पता चला गया कि पाकिस्तान में फुटबॉल शुरू हुआ है okay. और सेकंड साइड पर हम उनके साथ नेगोशिएशन्स करेंगे। में वी हैव टू टेल देम द रियलिटी इस मुल्क में क्या हुआ है फुटबॉल के साथ क्या हुआ है और जाने वाले इसके साथ क्या करके गए हम्म हम्म तो अभी तक आपकी कोई बातचीत हुई है वैसे ऑफिश इनफॉर्मली या फॉर्मली एफसी एफसी हमारी शुरू के साथ नेगोशिएशन्स जारी हैं इंशा यू विल सी रिजल्ट्स वेरी सून ओके ओके सदाम जो बात साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोशिश हम कर रहे हैं कि डोमेस्टिक पे इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए और इम्प्रूव किया जाए तो एज अ प्लेयर आप नहीं समझते कि मतलब अगर डोमेस्टिक ही हमारा स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा प्लेयर्स का सर इस बात का भी मैंने बात सुना और उम्मीद ने भी बात किया और सर ने भी बात किया सारे बातों का यहीं मैंने कुछ हो किया मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि एज ए प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरी जो तकलीफ है एज ए प्लेयर्स देख रहा हूँ मैं हमें क्या फुटबॉलर्स को क्या सप्रिंग कर रहे हैं हमारी तकलीफ क्या है ठीक है तो अभी हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स ना की इंटरनेशनल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग है okay. तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि सर इश्पाक ने भी जो बात की उनकी फोकस है डोमेस्टिक उसको है. तो दोनों बॉडी बैठ के वो जो है इंटरनेशनल फीफा साले साहब को एक्सेप्ट कर लिए और दो को इलेक्शन के लिए वो भेज रहे हैं उनको सही है हुँ. वो भी 2020 तक उनका वेट करे इलेक्शन का बाकी डोमेस्टिकली अपना रन और पैसा करेंटरनेशनली सबको चाहिए कि टीम को भेजे और फुटबॉल बच्चे जाके वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग खेले क्योंकि वर्ल्ड कप राउंड मिस होगा ना उसका बहुत ज्यादा नुकसान है अच्छा आप, आप, आप किसी डिपार्टमेंट के साथ हैं सकते हैं ठीक है आ, लेकिन ऐसे बहुत कम मतलब जो जो डिपार्टमेंट्स हैं के प्लेयर्स वो तो फाइनेंशियली थोड़ा सिक्योर है लेकिन जो नहीं है जो नए लड़के ऊपर आ रहे हैं उन, वो इस पर तो उनकी पोजीशन यही है कि अगर वो खेलेंगे तो वो कमाएंगे देखे ना हमारे यहाँ जो चलता हुआ आ रहा है अंडर थर्टीन अंडर फोर्टीन बच्चे खेलते हुए आते हैं इस तरह से हा, हा। अभी आपने पहले बात की कराची यूनाइटेड यूथ बच्चे ये इनकी एज है बारह साल ग्यारह साल है, है। अभी इनसे अपने प्राइवेट ही गए अपने तरफ से वहाँ खेल के आए ये बच्चे इस काबिल हैं एक साल बाद या इसी साल ये अंडर थर्टीन के हो जाएंगे अब इनको नेशनल टीम में खेलना चाहिए जाएंगे एक्सपीरियंस भी लेंगे और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस फिर हमारी जो डिपार्टमेंट से ये इसे ग्रो करते जाए अंडर सिक्सटीन का हमारा जो साफ कप का फाइनल आ रहा है उनमें इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और बहुत ही भी रेडी हैं मतलब अब नेक्स्ट स्टेप पर हैं उनको बस अब उधर उनमें से तकरीबन तकरीबन थर्टी बच्चे होंगे इस काबिल हैं कि डिपार्टमेंट उनको ले गई और जैसे ही एक्टिविटीज लीग होगा तो, इंटरनेशनली उनको जॉब्स मिलने शुरू हो जाएंगे जाएं। ओके ओके, ओके। शायद एक बात बताएं कि आप कोई इस लाइन पे सोच रहे हैं कि मतलब डोमेस्टिक आपने कहा आपकी प्रायरिटी है लेकिन अगर जैसे सदाम की भी हम बात सुन रहे हैं और ये भी फैक्ट है कि सारे प्लेयर्स को एक एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए तो जो एक्सपोजर नहीं मिल रहा तो जहासी बात है उतना कमा नहीं पा रहे कोई इस लाइन्स पर आप सोच रहे हैं कि कोई एक अच्छी सी एक प्रोफेशनल लीग जैसे आपका पाकिस्तान प्रीमियर लीग तो होती है लेकिन वो डिपार्टमेंट्स वगैरह की टीमें खेलती हैं लेकिन कोई ऐसा है जैसे पी एस एल की लाइन पर या इस लाइन पर कोई तर्ज पर कोई एक लीग कराई जाए बड़े मतलब बड़े लेवल पे जिससे कि फुटबॉल को भी प्रमोशन मिले और इन बच्चों को भी जो है मौका मिले अच्छा मतलब पैसे कमाने का जी साहब जी हाँ मैं ये कह रहा था कि अभी जब सदाम से बात हो रही थी तो कोई ऐसा आपके जहन में प्लान है पाकिस्तान प्रीमियर लीग तो मतलब रेगुलरली हो, होती रही है लेकिन उसमें डिपार्टमेंट्स ही खेलते हैं ज़्यादा है या रीजन्स खेलते हैं लेकिन कोई ऐसा आपके जहन में कोई प्लान है कि कोई जिस तरह पी एक लीग होती है क्रिकेट की जिसमें प्लेयर्स को अच्छा पैसा मिलता है एक एक महीने भर के लिए क्रिकेट को एक बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट मिलता है तो ऐसी कोई लीग कराने का आपके जहन में है कि कोई ऐसी लीग कराई जाए जिसमें ज़रा फुटबॉल को भी थोड़ा सा फ्लेवर मिले प्रमोट हो फुटबॉल और इन 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 खिलाड़ियों को भी फायदा हो फिर देखिए जी आपके जो पॉइंट्स हैं बड़े वैलिड हैं बड़े लाउड एंड क्लियर हैं ठीक है जी हमारा फुटबॉल इस वक्त जिस जबू हाली का शिकार हुआ है ये एक दिन का खेल नहीं है ये है। पिछले पंद्रह साल से आता 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 करते करते 155 से 199 पर पहुंचाया ठीक है हमारे पास कोई मैजिक नहीं है कि इसको एक दिन में या एक हफ्ते में एक महीने हमने इसके ऊपर काम करना है और इन शाह इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन इंशाला हम बताएंगे क्योंकि हमारे पास लोग हैं हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं हमारे पास टैलेंटेड कोचेस हैं इन वी विल प्रूव टू दर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन तो आ सकती है बुरी बात नहीं इसमें बट इट विल टेक सम टाइम इसको लेकिन तो मतलब आप ये कह रहे हैं मतलब शादा आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक पे आपका पूरा जोर है लेकिन मतलब यू हैव नो इंटेंशन टू स्पीक आ, फैसल आप, हायात तो के पाकिस्तान की टीम जा सके वर्ल्ड कप क्वालिफाइड में बात ये है कि अपने घर को इन ऑर्डर करना है आपको छह माह में नहीं हो सकता इसमें साल दो साल लग है, थीक थीक लेकिन हमें मालूम है कि हमारे मुल्क के अंदर बड़ा टैलेंट है, है। को ऊपर लाना है एंड यू सी द रिजल्ट हम लोग को बताएंगे नासिर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या मतलब शाह नहीं मैं शाह कोई पूछना चाह रहा हूँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ ओके okay, मैं ब्रेक ले रहा हूँ ब्रेक कर वापस आता हूं तो फिर आपसे बात करूँ। ओके okay. शायद थैंक था, यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है फुटबॉल मामला पर यहाँ पर जी स्पोर्ट्स में आज पैसा फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन हमारे साथ फुटबॉल के जर्नलिस्ट राइटर एक्सपर्ट उम्मेद वसीम है और नासिर इस्माइल साहब भी हमारे साथ हैं नासिर साहब आप कुछ बड़े नाराज़ नाराज से लग रहे हैं शाह साहब का बीपर सुनने के बाद क्या क्या मसला है आप बताएं ना आप खुल के बाद अभी आपने वही बात की के एग्जिट कंट्रोल में वो ही जा सकता है कि जिसपे कोई करप्शन के चार्ज करप्शन क्रिमिनल कोई ऐसा हाँ, कोई क्रिमिनल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हाँ। हो तो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह एक ऐसा स्टेप लेने जा रहा हूँ कि जिससे पाकिस्तान के फुटबॉल को बहुत फायदा होगा मुझे नुकसान हो सकता है ज़ाती तौर पर मेरी कोचिंग भी खत्म हो सकती है या मेरा फ्यूचर भी खत्म हो जाता है लेकिन उससे पाकिस्तान के फुटबॉल को ज़रूर फायदा हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है देखें गोल प्रोजेक्टों का उमैद वसीम आपके पास बैठे इन्होंने सारी चीजें हाईलाइट की गोल प्रोजेक्ट पाकिस्तान फुटबॉल के कहाँ गए उनका पैसा कहाँ गया ये ऑन रिकॉर्ड है और भी एफ में केस फाइल हो चुका है उसकी तहकीकत शुरू हो गई है जो पर्सनली मेरे पास एविडेंस मौजूद है ये मैं आज दिखा रहा हूँ सामने कि मेरे पैसों के साथ जो फॉर्जरी की गई है मेरे जाली सिग्नेचर से ए फीफा को लिख के भेजा गया कि जी मैंने जो अपनी सैलरी थी वो डोनेशन दे दी थी ये जाली सिग्नेचर इस पेपर के ऊपर मौजूद है और इसकी ओरिजिनल कॉपी एएफसी के पास है और अच्छा। मैं अब जाने वाला हूँ इसको लेके और ये, क्या, ये क्या लिख के भेजा गया आपके जो सैलरी थी है, वो इन्होंने ये लिख के भेजा के मैंने अपने पैसे अपनी मर्जी से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को डोनेट कर दिए हैं अच्छा और बाकी कोचिज के भी पैसे हैं अब मैं उनका इसलिए नहीं कहता हो सकता किसी ने दे दिया एक गौर जमान था गौर जमान से पैसे मांगे उसने कहा भाई मैं क्यों ये तो मेरे पैसे है उसने नहीं दिए तो उसको उस दिन के बाद से टिल आज तक नेशनल असाइनमेंट नहीं दिया गया ठीक okay. है और मैंने ई की ए फीफा को ए कभी भी प्राइवेट ई का जवाब नहीं देती hmm. कभी भी नहीं देगी आप अगर ईमेल hmm. करेंगे वो आपको वेटेज नहीं देंगे लेकिन बीइंग अ नेशनल कोच उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जी हम आपकी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इसको आपके लिए आगे आपके लिए तो आपने कोई केस फाइल किया इसके ऊपर ये के? ये मैं अब मैंने जो अभी आपसे क्या कहा कि मैं इसको ऑलरेडी प्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी दिखा चुका हूँ मैं बता चुका हूँ मैं ना ये केस का जो इनका हिस्सा भी बनने जा रहा है आगे जो केस होंगे वो मैं उसका हिस्सा हूँ और मैं ये बहुत जल्द ये चीज़ें लेके मैं एफ के पास भी जाऊँगा उनकी प्रेस मीडिया से भी बात करूँगा मैं ज्यूरिख भी जाऊँगा और मैं पाकिस्तान को उसका जो इंटरनेशनल मुकाम है ठीक है कि इस हवाले से क्लियर करें पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहाल करें और करप्शन के हवाले से जो फीफा में इतने बड़ा ऑपरेशन हो सकता है तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का क्यों नहीं हो सकता ठीक है ठीक है आ, उमेद मुझे एक बात बताइए ये क्या ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए हमारे वहाँ ये लजर लीग और कोई और लीग और ये बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं अभी हमारे वहाँ खेलने के लिए अभी भी कुछ मैचेस होने वाले हैं ये क्या पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है कुछ टीमें बाहर जा रही हैं पाकिस्तान के नाम से व्हाट इज ऑल दिस नहीं अभी जो ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं ये तो एक प्राइवेट कंपनी लेकर आ रही है टचस्क okay. ग्रुप okay. जो ये एग्जीबिशन मैच खेलेंगे ट्वेंटी सेवन को ठीक है अब टच स्का ग्रुप का जो अशफाक साहब की बॉडी है उसके साथ कोई अग्रीमेंट हुई थी ओके तो उसमें यह था कि टचस्काई ग्रुप क्योंकि प्लेयर एजेंट्स हैं और मैच एजेंट्स हैं तो इन्होंने ऐसी कोई डील हो रही थी जो अभी इस कांग्रेस में पास नहीं हुई है अभी उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो वो अभी करना चाह रहे हैं मतलब कुछ क्लॉजेज हैं जिन पर वो अग्री नहीं हुए हैं लेकिन वो ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान फुटबॉल के साथ काम करें ओके okay, okay. और लेकिन मुझे उस पर भी थोड़े से डाउट्स होते हैं क्योंकि वो जैसे आप बात कर रहे थे फ्रेंचाइज लीग की hmm. तो वो एक फ्रेंचाइज लीग का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो उसमें एक बात अच्छी है कि वो जो पूल टैलेंट पूल जो निकाल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर जोनल से उसके लिए एक प्लेयर पूल बनाएंगे ओके। okay. लेकिन वही बात है कि फ्रेंचाइज लीग में जितना पैसा इन्वॉल्व होता है कि फिर वो टैलेंट को कोई नहीं पूछता नहीं। तो वो देखते हैं वो कितना किस हद तक वो ठीक है एक आज शो में डिस्कशन जबरदस्त चल रही है लेकिन हमने एक मंडे से सिलसिला स्टार्ट किया राउंड अप का स्पोर्ट्स राउंड अप का ऐसा डिस्कशन स्टार्ट हुई कि मेरा मतलब स्पोर्ट्स राउंड अप थोड़ा हमारा पीछे रह गया लेकिन आपको दिखा देते हैं आज का स्पोर्ट्स राउंड अप क्या था क्योंकि जो बाकी एक्टिविटीज़ हुई हैं आज पाकिस्तान में उस पर भी आप नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के सबक कप्तान स्टेविड स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर की बॉल टैंपरिंग केस में एक साल की पाबंदी आज खत्म हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में बॉल टैंपरिंग स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद दोनों क्रिकेटर्स को बारह माह की पाबंदी का सामना करना पड़ा था बॉल टैंपरिंग स्कैंडल में सजा पाने वाले तीसरे किरदार कैमरोन बैंड क्राफ्ट थे जो पहले ही नौ माह की पाबंदी की सजा मुकम्मल कर चुके हैं पाबंदी मुकम्मल होने के बाद स्टेविड स्मिथ और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलवी टीम को वर्ल्ड कप के लिए दस्तियाब होंगे ताहम वो टीम की क्यादत के अहल नहीं होंगे सेकेंड इंटर डिपार्टमेंटल वुमेंस क्रिकेट चैंपियनशिप के दूसरे दिन पहले मैच में पीसीबी सी एलेवन ने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया एच -E ने पहले बैटिंग करते हुए 19 ओवर्स में आठ विकेट के नुकसान पर सत्तानवे रन बनाए एच -E की जानब से तूबा हसन इकतालीस रन बनाकर नुमाया रही पीसीबी सी बी ने पंद्रह ओवर्स में दो विकेट के नुकसान पर टारगेट पूरा किया आयशा नईम बावन रन बनाकर नुमाया रही और मैच की बेहतरीन खिलाड़ी रही दूसरे मैच में स्टेट बैंक ने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया जी ने बीस ओवर में छह विकेट के नुकसान आरोप एक रन बनाए स्टेट बैंक ने 20 ओवर्स में पाँच विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाकर मैच अपने नाम किया स्टेट बैंक की जानव से जवेरिया राउ 60 रन बनाकर नुमाया रही और मैच की बेहतरीन खिलाड़ी रही डिसेबल कप लीग के आखिरी दिन के पहले मैच में खैबर पखतुनखान ने मेजबान सिंध को छह विकेटों से हरा दिया जुबैर खान ने सोलह रन के अविज तीन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई ऑलराउंडर जुबैर सलीम ने शानदार बैटिंग करते हुए सत्तर रन की नाकाबिल शिकस्त बारी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया ऑलराउंडर जुबैर सलीम ने शानदार बैटिंग करते हुए सत्तर रन की नाकाबिल शिकस्त बारी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन फेडरल एरियाज ने बलोचिस्तान को उनतीस रन ऐसी शिकस्त देकर एक बार फिर फाइनल में खेलने का एजाज हासिल कर लिया दिफाई चैंपियन फेडरल एरिया और पंजाब की टीमों के दरमियान नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में कल खेला जाए जाएगा पाकिस्तान ने नेज़ाबाज़ी में छह आलमी रिकॉर्ड कायम करके नई तारीख रकम कर दी खाने वाल के इलाके तलंबा में सुल्तानी एवान क्लब की जानब ऐसी टेंट पैगिंग और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के हवाले ऐसी प्रोग्राम का इनका किया गया पाकिस्तान ऐसी ताल्लुक रखने वाले इंटरनेशनल घड़सवार सुल्तान बहादुर अजीज की सरबराही में मुल्क भर ऐसी आए घुड़ ने शानदार महारत का मुजाहरा करते हुए छह आलमी रिकॉर्ड कायम किए घुड़सवारों ने दो मिनट चालीस सेकेंड में नब्बे निशाने लगाए और सत्तर किले सात ले जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला घुड़सवारों ने एक सौ सड़सठ सेकंड में 120 घोड़ों को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाकर दूसरा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया पाकिस्तानी घोड़सवारों की जानब से तीसरा रिकॉर्ड बेअक चौबीस घोड़ों को ट्रैक पर दौड़ा बनाया गया इसके अलावा बेकबक छह टीमों ने एक साथ दौड़कर चौथा रिकॉर्ड अपने नाम किया और इस रिकॉर्ड को कामयाब बनाने में तीस टीमों ने हिस्सा लिया जो खुद एक रिकॉर्ड बन गया छठा और आखिरी रिकॉर्ड सिंगल लाइन में छह टीमों ने एक साथ दौड़कर बनाया सुल्तानिया एवान क्लब के इंतजामिया ने इन रिकॉर्ड की वीडियो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी भेज दी है जो इनका जायजा लेकर पाकिस्तान के आलमी रिकॉर्ड का बाकायदा ऐलान करेगा कराची में जारी नेशनल स्टूकर चैंपियनशिप सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो गया दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ और सीट ब्रेकर बाबर मसीह दोनों ही सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गए आज दो सेंचुरीज ब्रेक हुई कल पहले सेमीफाइनल में अजद इकबाल का मुकाबला अली हैदर जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मोहम्मद बिलाल का मुकाबला जुल्फिकार कादिर से होगा दोनों सेमीफाइनल ग्यारह फ्रेम्स पर होंगे स्पोर्ट्स राउंडर आपने देखा इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आज पीसीबी सी इंटर डिपार्टमेंट टी ट्वेंटी वेमेंस चैम्पियनशिप हो रही है इस नाम में उसमें बहुत ही बड़ा अपसेट था जिसमें स्टेट बैंक ने जेट बिल को हराया क्योंकि जेट बिल की जो टीम है वो तकरीबन पाकिस्तान टीम है आ, उसमें सारे टॉप प्लेयर्स हैं और वो बहुत मुश्किल से जो है आई डोंट रिकॉल कि कब वो लास्ट हारे हैं डोमेस्टिक में कोई मैच तो उनका आज ये मतलब उनकी शिकस्त जो है इट्स इट्स बिग न्यूज़ इन वेमेंस क्रिकेट लेकिन आ, अपना असदम टाइम हमारा सा कम लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर बात हुई अब मुझे तो ये फील हो रहा है कि मतलब जो आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि प्लेयर्स ऑब्वियसली बात है वो चाहते हैं कि मैक्सिमम लेवल का उनको कंपटीशन मिले गु तो आ, ऐसा ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग जो प्लेयर्स हैं आप लोग एफ को अप्रोच कर रहे हैं या फीफा को कोई अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन दें कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हो रही है आप इसका जल्द से जल्द फैसला करो ये जो मसला है देखिए प्लेयर्स को जो है ना फिर ये उस सिचुएशन में आ जाता है कि ये हमारी जो फ़ुटबॉल का जो सारा वो बता रहा हूँ फिर शुरू से क्या मामला होते हैं प्लेयर के साथ क्योंकि 1948 में ही रिकोगनाइज हो गई हमारी फीफा में फुटबॉल uh, से लेकर टू थाउजेंड नाइन तक बहत्तर साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ क्यों वही सिलसिला चलता गया आपस में लड़ाई पॉलिटिक्स और प्लेयर के साथ उसके पोचर के साथ खेलते गए और टाइम अगर कोई प्लेयर अपने राइट्स के लिए बात करता था तो उसको पॉलिटिक्स के जद में ला के खड़ा कर देते उसके पिक्चर के साथ खेलते थे उसको तबाह कर देते थे तो ये सिलसिला चलता चलता रा, चलता हो, चलता हो रहेगा क्योंकि ये न, सर। इस का कोई नहीं है hmm. हम खुद ही अपने, hmm. अपने पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं hmm. जरा hmm. इस चीज को कोई अफसोस की बात कोई सोच ही नहीं रहा hmm. हम प्लेयर डायरेक्टली तो नहीं कर सकते hmm. जहरी बात है हम एक कोचिंग उस पर फेडरेशन के थ्रू कर सकते हैं जैसे लास्ट टाइम जैसे प्लेयर सारे नेशनल टीम के कटे हो वो किसको करेगा जो फेडरेशन का प्रेसिडेंट होगा सदा उसको देगा भाई हमारी ये रहा है। वो उसको प्लेयर डायरेक्टली तो नहीं कर सकता है बनाए कर कल्चर है फुटबॉल में देखिए फुटबॉल में वैसे तो फिफ्थ प्रो है जो प्रोफेशनल प्लेयर्स लिए बॉडी है उनके राइट्स के लिए मतलब हर चीज करती है हमारे यहाँ एक, प्लेयर एक बॉडी बनी थी लेकिन वो भी पॉलिटिकल ही थी प्लेयर्स एसोसिएशन बनाने की कोशिश की थी हाँ मुझे याद है तो तो वही मसला यही है कि मतलब लोगों की पे बड़े ठीक है ठीक है आई फील इज के मतलब एक शो काफ़ी नहीं है फुटबॉल के मामला पे पूरी तरह से नजर डालने का लेकिन आज का हमारा टाइम खत्म हुआ आगे इन देखते हैं क्या मतलब डेवलपमेंट्स होती है जो अशफाक हुसैन शाह हैं जो इस पर प्रेसिडेंट वक्त फुटबॉल फेडरेशन के वो क्या कहते हैं कोशिश करेंगे कि अगले शो में हम जो दूसरा जिसको कि फीफा रेकनाइज़ करती है फैसल साल हयात या लोधी साहब कर्नल लोधी जो उनके सेक्रेटरी है उनको हम ले अपने साथ और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले सदाम थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया आज आपको आगे भी हम दावत देंगे और उमेद थैंक्स लॉट और नासिर इसमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने दूर बैठे हैं फिर भी आपने हमें जाएंगे देखिए नैनी वह आज हफ्ते का हमारा आखिरी शो था तो इनशाला पीर को आपसे मुलाकात करेंगे पीर को रात को ग्यारह बजे उस वक्त तक पासी ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज भी ख़त्म हो चुकी होगी तो पूरा उसके पोस्टमार्टम भी करेंगे और उस वक्त तक काफ़ी फिर और भी मामला हो चुके होंगे स्पोर्ट्स में तो काफ़ी कुछ होगा बात करने के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़